नए हिट एंड रन कानून को लेकर पिछले दो दिनों से लखनऊ में चल रही रोडवेज कर्मचारियों और ट्रक चालकों की हड़ताल आखिरकार बुधवार को खत्म हुई। बसों का संचालन शुरू हुआ, यात्री अपने घर जा सके। सरकार के फैसले पर कर्मचारियों ने क्या कहा, सुनिए। और सरकार ने जो ये कानून लागू करने जा रही थी, इससे बहुत बड़ा नुकसान था। हमसे ये कहा जा रहा था कि आप अगर दुर्घटना होती है तो दुर्घटना स्थल पर ही जो इंजर्ड है उसके लिए उसको पुलिस को सूचना दें। जनता, हम सूचना देने में कोई समस्या नहीं, हम भी मानव हैं, मनुष्य हैं, लेकिन समस्या ये थी कि हम जब तक उसको उठाएंगे, इलाज कराएंगे, पुलिस के हवाले करेंगे, पुलिस आएगी तब तक लोग हमें ज़मीन के हवाले कर देंगे। जनता, ये अमेरिका नहीं है कि दुर्घटना होने पर लोग उसकी साफ मदद करते हैं। दुर्घटना होने पर पहले ड्राइवर को तलाश करते हैं कि ड्राइवर कहाँ है, उसको पहले मार लो, उसके बाद तब कानून हाथ में ले लेते। तो इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया था, लेकिन जिसको लेकर सरकार ने जो गलत फैसला किया था, पूरे देश के सारे ड्राइवर्स हड़ताल पर चले गए थे और सरकार को मजबूर होना पड़ा। हजारों हजारों करोड़ रुपये का नुकसान केंद्र सरकार ने करा दिया है पूरे प्रदेशों में। आपने कल लखनऊ की स्थिति देखी होगी, किस तरीके से पेट्रोल और डीजल की मारामारी मची। मैं स्वयं आपको बता दूं, कल बाजार में मैं सब्जी लेने गया, 30 रुपए किलो आलू बताया और मैं खड़ा रहा, मेरे सामने उतने 40 रुपए किलो कर दिया। जब कल ये स्थिति थी तो आज हालात क्या होते अगर हड़ताल होती। पहली बार इस जिद्दी सरकार ने 24 घंटे के अंदर चालकों ने, इन मजदूरों ने अपनी ताकत को दिखा दिया है कि मजदूरों में कितनी शक्ति होती है। इतनी ताकत दिखा दी कि पहली बार किसान आंदोलन 1 साल से ज़्यादा चला था मैम, और सरकार नहीं मानी थी, बहुत मुश्किल में गवर्नमेंट मानी थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर ड्राइवरों ने अपनी ताकत को दिखा दिया कि सरकार को झुकना पड़ा। अमित शाह जी से मेरा निवेदन है, केंद्र सरकार जी से, केंद्र सरकार से, सभी से, कि ऐसे किसी कानून को ना लागू करें जो न देश हित में हो, न उसकी जनता के हित में हो, न किसी कर्मचारी के हित में हो। तो आज से बसों का संचालन शुरू हो गया है, और आज तो सुबह से ही हमारे सारे अधिकारी, जैसे हमारे इंचार्ज हैं आमिर जावेद साहब हैं, माखन लाल जी हैं, सारे लोग आ गए हैं, सुबह से लगे हुए हैं 4 बजे से। हम लगातार पूरा 100% संचालन हो रहा है और प्रदेश की जनता की सेवा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम हमेशा जो है तैयार रहेगा। मेरा एक सवाल आपसे और है, क्योंकि इस कानून के अंदर तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो पुलिस को बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई थी कि वो बिना किसी वारंट के ऑन द स्पॉट किसी भी ड्राइवर को गिरफ्तार कर सकती है, तो इस पावर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो सीधा पावर पुलिस के हाथ में दी गई? नहीं मैम, पुलिस का तो सारी जय जय थी पुलिस की ही इस कानून में। अब दुर्घटना होगी, पुलिस के पास FIR दर्ज होगी, हम फरार हो जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस कहेगी बताइए क्या करोगे तुम, नहीं तो हिट एंड रन तुम्हारे ऊपर लाद देंगे। जब अगर हम सेवा पानी कर ले जाएंगे पुलिस की, तब तो वो कहेगी चलिए 104 लगा रहे हैं, 104 ए लगा रहे हैं, नहीं तो कहेगी 106 लगा रहे हैं आपके ऊपर, जो 106 ए बनाया है इन्होंने हिट एंड रन में, 10 साल की सजा 7 साल, वो कह देगी हम लगा देंगे। चूँकि सारा खेल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास हाथ में चला जाएगा, जो पुलिस का IO होगा सारा गेम उसी के पास होगा, जो वो चार्जशीट में लिख देगा कि ये दोषी है तो हम दोषी हो गए, नहीं तो हम पे 104 लगेगा, और नहीं 104 की जगह 106 लगा देगा, तो हम करेंगे क्या? अब तो सब कुछ उसी के हाथ में चला जाएगा ना, आपके साथ यही करेगा, हमारे साथ कल बाइक वाले के साथ यही कर देगा, बाइक से अगर कोई बच्चा टकरा जाएगा, 106 है आपके ऊपर, आपने जानबूझ के मार दिया इसको। तो इसको लेकर बदलाव की बहुत आवश्यकता है, सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस काले कानून को कतई न लागू करे। लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, लोकल 18।